इंसाफी करते रहते हैं। जिस दल पर तेलंगाना के लोगों ने सबसे ज्यादा भरोसा किया, उसी दल ने तेलंगाना के साथ सबसे बड़ा विश्वासघात किया है। उसी परिस्थिति में कमल का खिलना शुरू हो जाता है और भोर से ठीक पहले, उजियारे से पहले आज तेलंगाना में भी ऐसे ही कमल के। अब तेलंगाना में अंधेरा छटने की शुरुआत हो गई है। अभी मुनुगुड़े की जनता ने जिस प्रकार भाजपा पर भरोसा जताया है वह अभूतपूर्व है। और मैंने देखा कि कैसे बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने पूरी की पूरी तेलंगाना राज्य सरकार को एक विधानसभा सीट पर लाकर खड़ा कर दिया। किस दफ्तर में जाना है, किसे मंत्रिमंडल में रखना है, मंत्रिमंडल कब बनाना है, मंत्री में से किसको निकालना है, ये सारा अंधविश्वास तय करता है। तेलंगापन से निकालना है तो हमें सबसे पहले यहां से हर तरह के अंधविश्वास को दूर करना होगा। भाई, आज मैं देख रहा हूं तेलंगाना में सुशासन और तेज विकास की आकांक्षा कितनी प्रबल है। अब तेलंगाना के लोग एक परिवार के बजाय तेलंगाना के हर गरीब का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। भ्रष्टाचार और परिवारवाद विकास का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। इसलिए भाजपा जनधन, आधार और मोबाइल की त्रिशक्ति का उपयोग करके करोड़ों फर्जी लाभार्थियों को हटा दिया। अब सरकार का बेनिफिट सीधे गरीब के बैंक खाते में पहुंचता है। अब केंद्र सरकार के अधिकतर सुविधाएं ऑनलाइन है, इसे घुसखोरी की आशंका कम हुई है। आज भीम यूपीआई के कारण देश में कैशलेस देन की मजबूरी कम हुई है। जब पेमेंट भी ऑनलाइन होती है तो भ्रष्टाचार की गुंजाइश भी कम हो जाती है। आखिर सरकार और जनता के बीच बिचौलियों की क्या जरूरत है भाई? सरकार सीधे जनता तक पहुंचे और जनता सीधे सरकार तक, इसलिए हमने टेक्नोलॉजी का ब्रिज बनाया है। तेलंगाना में भी भाजपा ऐसा ही भ्रष्टाचार मुक्त सुशासन देने के लिए तैयार है। मैं बीजेपी के सभी कार्यकर्ताओं से कहूंगा कि आप तेलंगाना के बूथ बूथ में जाएं, केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जिनको अभी तक नहीं मिल पाया है उनकी मदद करें। और एक बात जरा मेरे तेलंगाना के कार्यकर्ताओं को मेरी व्यक्तिगत प्रार्थना है,
और मैं विश्वास करता हूं आप मेरी बात मानोगे। बताऊं बताऊं, एक सपनों से खिलवाड़ किया तो मुकाबला बहुत रंगीन हो जाएगा, समझ। भाइयों बहनों, मोदी और भाजपा को गाली देने से अगर तेलंगाना का भला होता है तो देते रहिए, अगर यहां के लोगों की सुख सुविधा बढ़ती है देते रहिए, ईज ऑफ लिविंग होता है देते रहिए। मोदी और भाजपा को गाली देकर अगर तेलंगाना के किसान समृद्ध होते हैं तो जरूर दीजिए गाली। आज तेलंगाना के किसानों की स्थिति किसी से छिपी नहीं है, आप खुद इस बात के साक्षी है। यहां के हल्दी किसानों को सरकार ने इस हाल छोड़ दिया है, आप इस बात के साक्षी है। यहां विकास के रास्ते में किस तरह लगातार रोड़े अटकाए जा रहे हैं। मैं आज तेलंगाना के लोगों को भरोसा देना चाहता हूं, भाजपा तेलंगाना में पॉजिटिव एजेंडा के साथ आ रही है। हम मिलकर यहां विकास की नई गाथा लिखेंगे। साथियों, तेलंगाना हैदराबाद मेरे लिए बहुत अहमियत रखता है। पीएम उम्मीदवार भी नहीं था, मैं सिर्फ एक सीएम और प्रचार समिति का प्रमुख था, लेकिन जो स्नेह आप लोगों ने मुझे मिल दिया, हैदराबाद ने दिया, तेलंगाना ने दिया, वो हिंदुस्तान के लिए एक टर्निंग पॉइंट बन गया था।